हेलो दोस्तों, XSIS के एग्ज़ाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। और आपने देखा होगा कि UPPCS 2022 का जो मेंस का रिजल्ट था वो भी हाल ही में आ चुका है, और जो उसके साक्षात्कार हैं यानी इंटरव्यू, ठीक है, उनकी डेट जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। लगभग 1067 लड़कों ने मेंस क्लियर किया है, लगभग 367 के आसपास वैकेंसी थी, तो वो देख सकते हैं अगर जिनका साक्षात्कार हो। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाए नहीं हैं, है ना, लेकिन अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ। तो आज हमारा 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को, उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जिसकी हम करेंगे वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2023 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम डेट का सवाल है तो वो तो घटे बढ़े की है नहीं। 14 मई को होना है तो 14 मई को होगी, और जो नोटिफिकेशन है 15-20 फरवरी तक आ जाना चाहिए, यानी 2-4-6 दिन में आपका फॉर्म आ जाना चाहिए। और आप सभी जानते हैं इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है वो लगभग IAS से 14 दिन पहले कंडक्ट कराया जा रहा है, क्योंकि 28 मई को हमारा IAS का एग्ज़ाम है और 14 मई को आपका PCS का एग्ज़ाम है। तो PCS इस बार जल्दी कराने के मूड में है, तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। और अगर आपको और कोई समस्या आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और अन्य किसी उस पे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं PCS के बारे में। तो देखो, कल BR PCS का पेपर है और जल्दी ही UPPCS का होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात आती है PCS, तो राज्य स्तरीय जो सेवा होती है, सिविल सर्विस जिसको बोल सकते हैं, राज्य स्तरीय, उसको हम PCS कहते हैं। और उत्तर प्रदेश अगर PCS की बात करें तो उत्तर प्रदेश PCS में दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं प्री लेवल पे, है ना। उन दो पेपर में पहला पेपर होता है GS फर्स्ट, जैसे कि UPSC में होता है, और एक होता है GS सेकेंड, जिसको हम सामान्य भाषा में CSAT भी बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। बस UPSC में जो CSAT का लेवल है और PCS में जो CSAT का लेवल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। GS फर्स्ट पेपर में जहाँ UPSC 100 क्वेश्चन पूछता है, वहीं PCS क्या करता है, 150 क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड पेपर में जहाँ UPSC आपको 80 क्वेश्चन पूछता है, तो UPPCS क्या करता है, लगभग 100 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये 200 नंबर के होते हैं एज इट इज, जैसे UPSC में होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। तो आप ये समझ गए GS फर्स्ट पेपर क्या होता है और GS सेकेंड पेपर क्या होता है। तो हम वन बाय वन पिछले ईयर से हम लोग तुलना करके हम सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपका जो GS फर्स्ट पेपर है, ठीक है, GS फर्स्ट पेपर में आपके हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पिछली बार इससे लगभग 31 to 35 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो मॉडर्न इंडिया के थे, है ना, तो ये याद रखना। दूसरा जो टॉपिक था वो जियो था, जियोग्राफी, जियोग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक था वो पॉलिटी था, ठीक है, पॉलिटी से लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास किए गए। इकोनॉमिक्स, ठीक है, थ्योरी पोर्शन और करंट को मिला करके लगभग 21 से 30 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, है ना, इससे भी क्वेश्चन थे लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास। और साइंस का भी बर्डन, ठीक है, साइंस का भी बर्डन लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास। उसके बाद करंट के लगभग 41 के आसपास क्वेश्चन थे, 41। तो अगर हम मेरिट की बात करें, तो अगर आप 100 नंबर प्राप्त कर ले जाए, 100 क्वेश्चन अगर सही कर ले जाते हैं UPSC में, सॉरी UPPCS में, तो 100% मान के चलिए आपका PCS बड़े आराम से हो जाना है, प्री आराम से निकल जाएगा, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन GS फर्स्ट पेपर में ऐसी क्या रणनीति अपनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। PCS में क्या होता है ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, है ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की आपसे डिमांड की जाती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा किताबें मैं रिकमेंड करने की, लेकिन दृष्टि PCS की, ठीक है, दृष्टि PCS लेवल की किताबें आप पढ़ सकते हैं, या दृष्टि IAS की जो प्रैक्टिस सीरीज है, चाहे वो प्रीलिम PSP हो, प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज, या फिर जो तुम्हारी एक क्विक बुक करके आई थी, ठीक है, वो कर सकते हैं। या फिर आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स
पे डिपेंड है, तो उनको कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखना कि आपको करना क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, सॉरी, आपको क्या करना है, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं। तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल एरिया छांटना पड़ेगा। जैसे अगर किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हिस्ट्री पे ज़्यादा रिवीजन करें, बहुत अच्छा फोकस करें। पॉलिटी सब्जेक्ट को ले सकता है क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, खासकर फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है ना, तो इस जगहों से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो कोर एरियाज हैं इनको तैयार कर सकते हैं। इको का जो बेसिक इकोनॉमी है, चाहे वो NCERT पर बेस्ड हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो वो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जियोग्राफी में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर GI टैग मिला है कुछ वस्तुओं को, वो कहाँ पर है, नए क्या हैं, जो तुम्हारी आर्द्र भूमियाँ हैं, नेशनल पार्क हैं, है ना, कौन सा जीव कहाँ पर है, तो इस तरह के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलान करने के लिए भी होते हैं, तो वो मिलान करने वाले तो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये आपको रखना कि अगर आप 135 क्वेश्चन के आसपास करते हैं तो ये 100% मान के चलना आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन सही होने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। लगभग आपको 100 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, निगेटिव विगेटिव मार्किंग घटा करके, तब आपको मान लिया कि आप एकदम सफिशियंट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है सी सेट का नंबर। सी सेट में क्या करना है ना, सी सेट में जनरली देखो IAS में क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, UPSC में देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ और रीजनिंग आती है, 3 सेगमेंट से पूछे जाते हैं, सिलेबस तो ज़्यादा है। अब PCS में क्या कर रखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता है, मैथ भी ठीक ठाक क्वेश्चन करीब 30 क्वेश्चन के आसपास देता है, रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं 25 तक, उसके बाद हिंदी का भी बर्डन है, ठीक है, और हिंदी की जो व्याकरण है, व्याकरण शब्दावली, वहां से करीब 25 क्वेश्चन के आसपास आराम से पूछे जाते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा एक कोर एरिया हो जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि बहुत सारे संप्रेषण क्या है, ये दुनियादारी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है, है ना, लेकिन आपको लगभग 33 से 34 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, अगर PCS हो, UPSC होता तो वहाँ 27 क्वेश्चन सही करके आप नंबर प्राप्त कर सकते थे, क्वालिफाइंग नेचर का कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपको करीब 33 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 3 सेगमेंट, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी है, रीजनिंग है, अगर जिसकी मैथ में प्रॉब्लम है ना, तो वो ये सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है। और आपके पास मोस्टली 102 दिन के आसपास बचा है, उसी में होली भी है, अन्य त्यौहार हैं, है ना, शादियों का सीजन है, तो 1-2 दिन उसमें निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से करनी पड़ेंगी, आप कम से कम 1 घंटे उसको दें सी सेट को। और जिन लोगों ने अभी वो क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सॉरी, जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो वो एक बार देख लें, कम से कम आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर का अगर आप देखना चाहें तो मैं ये बता सकता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सेगमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। अगर करंट में आपकी स्ट्रेंथ मजबूत नहीं है, आपने करंट ठीक से नहीं पढ़ा है, करंट पढ़ने के लिए आपको कोई एक मैगजीन पढ़ सकते हैं या किसी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा फैक्ट बेस्ड है ना क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम से देखा जा रहा है कि 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास ही उत्तर प्रदेश, जो प्योर ओरिएंटेड उत्तर प्रदेश बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो 5 से 10 ही होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा बेसिक एरिया है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन पे आप अपनी बढ़त बनाएं और कोशिश करें, क्योंकि जिन लोगों को IAS अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं ना, तो SDM बनने का सबसे सुनहरा मौका यही होता है PCS। और उत्तर प्रदेश PCS इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, आराम से क्लियर किया जा सकता है, और करीब 300-400 के आसपास वैकेंसी भी है आपके पास, है ना, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेंस, जिसका मेंस का आइडिया नहीं है, तो मेंस में आपको सभी को पता है कि GS के 4 पेपर होते हैं, ठीक है, उसी तरह 200-200 नंबर के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट
और ऑप्शनल, तो बात चल रही है कि ऑप्शनल हटेगा नहीं हटेगा, लेकिन जिन लोगों के ऑप्शनल तैयार हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उनके लिए है जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्शनल के विषय में अभी सोचा नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। एसे का पेपर होता है, ठीक है, 3 एसे लिखने होते हैं, है ना, 3 शिफ्ट में ऐसे कर किए जाते हैं, 3 ऐसे आपको लगभग 600-1000 शब्दों के आसपास लिखने होते हैं। उसके बाद एक हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का, क्योंकि UPPCS का है तो हिंदी का पेपर होना ही होना है। तो ये कुल मिला के 4 2 6, ठीक है, 1 7, और ये कुल 8 क्वेश्चन, 8 पेपर होते हैं, ठीक है। इतने ही पेपर तुम्हारे उसमें होते हैं UPSC में, लेकिन वहाँ इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी के 2 पेपर बढ़ जाते हैं। तो ये है तुम्हारा मेंस का शेड्यूल। तो अब जो मेन मोटिव है आपका एग्जाम पास करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री क्लियर करना है। और प्री क्लियर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपका बेसिक सिलेबस है, खासकर हिस्ट्री का, ठीक है, पॉलिटी का, ठीक है, जो भी क्वालिफाई किया होगा ना वो इन्हीं बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ के किया होगा। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक बुक उठाइए और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, और इतना ज़्यादा फैक्चुअल भी मत होइए कि अन्य चीज़ें धूमिल हो जाए। चूँकि 14 मई है डेट पेपर की, और हार्डली आपके पास 102 दिन के आसपास बचे हुए हैं, आज 12 फरवरी के आसपास हो ही गया है, 11-12 फरवरी हो गई है ना। तो मेरा यह कहना है कि अगर आपको PCS में अच्छे से तैयारी करनी है, बेहतर नंबर लाने हैं, तो यही सारी चीज़ें करके आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। और वरना फिर रोते रह जाएंगे, नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपको इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इधर उधर भागेंगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा आपको। और हाथ आने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक पढ़ाई के घंटे, अगर जिसके कम है लगभग 8 घंटे के आसपास, आप रोज प्रिपरेशन करें, मेहनत करें, और जो प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको करें, प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छा रोल निभाती है। अगर मुझसे कोई कहे कि आपको प्रैक्टिस, क्योंकि युद्ध लड़ना में आपके हथियार कौन से हैं और आप कितनी उन हथियारों के साथ प्रैक्टिस करी है, कभी कभी क्या होता है कि आप प्रैक्टिस अगर अच्छी करते हैं तो नॉलेज पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, बिहार PCS BPSC का कल पेपर है 12 फरवरी, जो लोग दे रहे हैं है ना उनके लिए शुभकामनाएं, बेहतर कोशिश करना, जो आपके पास नॉलेज इकट्ठा है ना उस पे भरोसा करना, इधर उधर ताका झाकी नहीं करना, और कोशिश करना कि आप अच्छा पेपर दो, सॉरी, है ना। और जो भी चीज़ें हैं उनका भरपूर उपयोग करना, आपके पास ठीक ठाक टाइम रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। सकारात्मक भाव से जाना, और जो भी सारी दिक्कतें हैं उनको आराम से निकल जाएंगी, क्योंकि कोई भी समस्या एक समान हमेशा नहीं रहती, कटती बढ़ती रहती है। तो PCS वालों के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ज़्यादा मत करें, आ जाएगा, वो आयोग का काम है, उसको जब देना होगा देगा। फिलहाल तुम्हारे पास जो 14 मई का जो एक डेट दे रखी है उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, वो चाहे फरवरी में निकालें या मार्च में नोटिफिकेशन मिला निकालें, 14 मई को वो एग्जाम कराएंगे। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। जिन लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है वो और धार दें, जिन लोगों की कम प्रिपरेशन है वो थोड़ा और मेहनत करें, और इसी तरह आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कोई समस्या कोई डाउट हो तो बताते रहें, और कोशिश करूँगा PCS से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्लासेस लेके आऊँ, है ना, लेकिन टाइम का इशू है, नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें अपडेट आती रहती हैं, और अन्य अगर सोशल साइट्स चलाते हैं तो उसमें भी आ सकते हैं, उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।